नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट के इस केस की, जहां लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक नए शख्स का नाम इस केस में जुड़ चुका है। कुलदीप बिश्नोई जो कि बीजेपी नेता है, उन पर लगातार आरोप लग रहा है मायके की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं जहां कुलदीप बिश्नोई ने नया खेल खेल कर ससुराल वालों से मीटिंग की, ससुराल वालों से बातचीत की और उन्हें मनाने की कोशिश की कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, ससुराल वालों ने यहाँ पर जो है कुलदीप बिश्नोई का साथ भी निभाया कि हाँ ये शख्स बिल्कुल ठीक है। इसी बीच, इस मामले के बीच आपको बता दें कि अब सवाल ये उठता है कि जहां यशोधरा फोगाट के पिता का साया भी सर से उठ गया और मां का साया भी सर से उठ गया, तो यशोधरा फोगाट के लिए कौन यहां पर होगा, उनकी परवरिश कौन करेगा, क्योंकि यशोधरा फोगाट अभी बहुत छोटी है। तो यहाँ पर ससुराल वालों का जो है बयान आ रहा है, उनका बयान ये आ रहा है कि बेटे यशोधरा फोगाट की जो परवरिश है वो हम करेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे और हम यहाँ पूरी कोशिश करेंगे, राजनीति में कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर वो इस चीज को लेकर, यानी कि मायके वालों के आपके लिए आपत्ति जताते हुए नजर आए और बेटी का जो सोनाली की बेटी है उनकी परवरिश के लिए यहाँ बोलते हुए नजर आए कि उसकी जो परवरिश है वो हम करेंगे, उसका ख्याल हम रखेंगे, उसकी स्कूलिंग शिक्षा सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन यह देखने वाली बात होगी, क्या इस चीज के लिए परिवार कुछ करता है, क्या परिवार जो सोनाली का जो मायका है, परिवार हम बात कर रहे हैं मायके वालों की, क्या सोनाली फोगाट का जो मायका और ससुराल है दोनों के बीच डिफरेंसेस आ जाएंगे, इन चीजों को लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं कि क्या यह आपसी जो है मामला बन जाएगा कि कौन उसकी परवरिश करेगा या कौन सोनाली के लिए न्याय के लिए खड़ा होगा, जहां यशोधरा फोगाट लगातार अपनी मौसी के साथ है, मौसी को विरासत में ला रही है, कोशिश कर रही है कि अब जो है राजनीति में मौसी खड़ी होंगी। तो यहाँ यशोधरा फोगाट क्या जो है अपनी माँ के ससुराल की साइड जाएगी या अपनी नानी की साइड ही रहेंगी, तो यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन यशोधरा फोगाट पर डिपेंड करेगा कि वो इस पर क्या फैसला लेती है। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।